तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि कंट्रोल सेंटर किस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल गजब का लुक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है गाइस, काफी अच्छा और देखने में काफी गजब का ये चीज आप लोग देख सकते हो, कितने कमाल की लग रही है गाइस। यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल एंड्रॉइड 12 के जैसा खतरनाक लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हॉटस्पॉट्स, ब्राइटनेस, लोकेशन डाटा, रोटेशन, और यहाँ पे देखो एयरप्लेन मोड या फिर टॉर्च वगैरह, ये सारी चीजें वर्क भी करती हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दिख रही है। ठीक है, चलो मैं टॉर्च इनेबल करता हूँ और देखो गाइस यहाँ पे जो टॉर्च है अपनी इनेबल हो चुकी है। ओके फाइन, या फिर साउंड म्यूट वगैरह कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वाईफाई ब्लूटूथ सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर बटन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसको जैसे मान लीजिए आपको कभी फोन को ऑफ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। तो कितने कमाल का कंट्रोल सेंटर है, मुझे काफी पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इसके जो सेटअप है वो थोड़े से डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा कि कैसे आप लोग करोगे। यहाँ से डायरेक्टली आप जो है इसको एडिट भी कर सकते हो, ये इस कंट्रोल सेंटर को अपने हिसाब से जैसा चाहे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिखा दी जाएंगी। एनीवे अगर आप लोग जो इसमें जी मतलब कि कुछ और करना चाहते हो, सेटिंग्स में डायरेक्टली जाना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो। तो फोन की कंट्रोल सेंटर से यार काफी ज्यादा गजब का है। अगर आप लोग बोर हो चुके हैं अपने फोन के कंट्रोल सेंटर से तो इस चीज को आप लोग ट्राई करो यार, सच में मजा आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है काफी पसंद आएगी। अब चलिए मैं इसका जो सेटअप है वो आप लोगों को कंप्लीटली करके दिखा देता हूँ। ओके फाइनली, ठीक है आप लोगों को मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे डाउनलोड कैसे करना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका जो डेटा है वो क्लियर कर देता हूँ, जिससे होगा क्या कि ये ऐप रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अब हमारा कंट्रोल सेंटर नहीं आएगा। बट हम अब इसको सेटअप करेंगे फाइनली। अब हम इसको सेटअप करते हैं, कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से हमें परमिशन देनी है। फर्स्ट वाली परमिशन दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली परमिशन दे दी। ओके गाइस, ठीक है अब हम बैक जाएंगे और पैक जाएंगे फिर से, यहाँ पे इस वाली को भी परमिशंस दे देंगे यहाँ से। ठीक है गाइज, आप लोगों को ये परमिशंस देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ के इसको भी परमिशन, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ओके गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, कोई ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये इनेबल कंट्रोल सेंटर ये ऑन होना चाहिए, ये ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा काम हो चुका है कंप्लीट गाइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंट्रोल सेंटर सप्लाई हो चुका है, इजली यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा और काफी सुंदर लग रहा है। तो जो भी यार इसको देखेगा सच में एक बार तो जरूर कहेगा कि क्या बात है यार, सच में मजा आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।